सकेंगे। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में है। केवल एक दो लोग इधर एक दो लोग उधर केवल जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है उसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है कि किसी के हित में नहीं होंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़ चढ़ करके व्हिप जारी किया, कांग्रेस से पहले एक तरह से मुद्दा बनाया, अटल जी आडवाणी जी का सपना था इसलिए इसको हम इसको पास कराएंगे, अगर यही हालात लोकसभा के अंदर आते हैं और पार्टी व्हिप जारी करती है महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में, तो आपका रुख क्या होगा? हमने कह दिया ना कि हम लोग पार्टी में पहले इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि इस पर आम सहमति बननी चाहिए। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं, पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं?